हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। दोस्तों, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने दोस्तों झारखंड में बीएड में नामांकन हेतु दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड नया अपडेट जारी कर दिया है। दोस्तों, इस अपडेट में बताया गया है कि काउंसलिंग का प्रोसेस कब से कब तक चलेगा। दोस्तों, सेकेंड काउंसलिंग भी होगा। दोस्तों, साथ ही साथ फी क्या लगने वाला है आपको काउंसलिंग के दौरान, दोस्तों सभी चीज़ें इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है। तो फिलहाल दोस्तों नोटिफिकेशन आप लोगों को दिख पा रहा है, आप लोगों के सामने है। मैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको पढ़कर क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखो और समझने का प्रयास करो। तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के द्वारा, यहाँ दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2020 से 2022 में बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। साक्षात्कार मतलब काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। मैं यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको दिखाता हूँ पढ़ करके। जैसा कि दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है और आप लोगों ने अभी तक आई होप आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपना मेरिट लिस्ट और अपना रैंक देख लिया होगा। दोस्तों, अभी तक अगर नहीं देखे हो तो आपको ऑफिशियल साइट पर दोस्तों पार्षद के वेबसाइट पर आपको प्रकाशित कर दिया गया है। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ फाइल उसका डाउनलोड करके देख सकते हो, अपना रैंक चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, अंतिम राज्य मेघा सूची के आधार पर प्रथम ऑनलाइन साक्षात्कार कार्यक्रम निम्नवत है। मतलब दोस्तों दो बार काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग और सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ये जो काउंसलिंग है दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग के लिए और चॉइस फिल होगा दोस्तों सीट अलॉटमेंट के लिए, वो होगा 23 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक। उसके बाद दोस्तों अलॉटमेंट लेटर जारी होगा दोस्तों आपका 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन द कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है दोस्तों, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 28 जनवरी 2021 से लेकर 31 जनवरी 2021 तक। ये रहा दोस्तों ये जो टाइम टेबल है ये पहले काउंसलिंग के लिए होगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। अब आप देख सकते हो दोस्तों सेकेंड राउंड काउंसलिंग भी होगा, उसका भी टाइम टेबल दिया हुआ है यहाँ पर ही, ठीक है। तो जितने लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता है या फिर सीट खाली रह जाते हैं तो उसके लिए दोस्तों सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन एडिट इन कैटेगरी क्वाटा ऑप्टेंड मार्क्स परसेंट बाई ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं दोस्तों वो एक बार फिर से ऑनलाइन एडिट कर सकते हैं अपना कैटेगरी ऑप्टेंड मार्क्स, ये सब एडिट कर सकते हैं दोस्तों 1 फरवरी के बीच में, 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद उनके लिए दोस्तों पब्लिकेशन ऑफ फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट, उनके लिए भी एक मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और ये जो पब्लिश होगा दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट इन लोगों के लिए 4 फरवरी 2021 को पब्लिश होगा। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट, तो इनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होगा दोस्तों, चॉइस फिल और सीट अलॉटमेंट जो होगा 6 से 8 जनवरी के बीच में होगा। इशूज़ फॉर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और अलॉटमेंट लेटर मिलेगा दोस्तों 11 फरवरी 2021 से लेकर 15 फरवरी 2021 तक। और इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों 11 फरवरी 2021 से लेकर 25 फरवरी 2021 तक। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, आप जो कॉलेज चॉइस जब करोगे तो अनलिमिटेड चूज करना, जितना आपका मन करे उतना आप चूज करना। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है विकल्पों का चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप कित मन चाहा कॉलेज चूज कर सकते हो, संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मतलब आप अनलिमिटेड चॉइस कर सकते हो। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें। अब यहाँ साक्षात्कार शुल्क आप देख लें कि शुल्क आपको कितना लगेगा। आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों पेमेंट गेटवे के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
नेट बैंकिंग यूपीआई के द्वारा आप भुगतान कर सकते हैं, जो कि फी नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब वापस नहीं होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 और BC2 कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पर ही 400 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा काउंसलिंग के लिए, और ST SC और फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज उनको लगेगा 250 रुपये। तो इस तरह से था दोस्तों आज के जो नोटिफिकेशन था काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।